नौ वर्ष के आगमन पर गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि कोरोना काल के बाद भी 2020 में जनपद में विकास के कार्यों ने कई आयाम को छुआ है। जहां प्रमुख सड़कों को फोर लेन में तब्दील किया गया है, वहीं चिड़ियाघर, प्रेक्षागृह, आधुनिक सौदाह गृह, राप्ती तट पर नव निर्मित घाट, फर्टिलाइजर, पिपराइज, चीनी मिल सहित सभी सेक्टरों में विकास के कार्य बहुत ही तेजी से किए गए हैं। निश्चित ही 2021 में सभी परियोजनाएं जनता को समर्पित हो जाएंगी और गोरखपुर जनपद विकास का नया इतिहास रचेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, देखिए कोरोना काल में जरूर तो 2-3 महीने काम हमारा प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हम लोग काम नहीं कर पाए, बट उसके आगे जो तब लॉकडाउन समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, उसके बाद उसी तेजी रफ्तार से जो छूटे हुए काम का भी हम लोग लेकर के करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो गोरखपुर में 360 डिग्री में काम हुआ है, ऐसे कोई सेक्टर नहीं कोई छूटा हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी फील्ड में काम हुआ है। अब बड़े बड़े उपलब्धियां भी इस साल आपको 21 के लिए मिल जाएगा। खासतौर पे यहाँ का चिड़ियाघर है, यहाँ एम्स है और फर्टिलाइजर है, ये सारे चीज़ इस साल जनता के लिए तोहफा के रूप से मिलेगा। उसके अलावा भी तमाम परियोजनाएँ समाप्त हो जाएगी। हमारा जो कितने NH बन रहा है, कितने रोडें बन रही है, सब समाप्त होकर के एक अच्छा स्वरूप के रूप से गोरखपुर रहेगा। और सभी सेक्टर में काम हुआ है, इसे गिनने में एक दिन लगेगा। वैसे सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 2021 आपका अच्छा साल रहेगा और गोरखपुर इतिहास में एक ज़रूर एक महत्वपूर्ण साल के रूप से 2021 रहेगा।